हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग। और आज हम आपको लेके जा रहे हैं मुनस्यारी, जो कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। पिथौरागढ़ से लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पे है। और अभी आप देखिए मेरे पीछे का नज़ारा, ये देखिए। खूबसूरत पहाड़, और ये आप देख सकते हैं काली नदी, जो ओम पर्वत से, ग्लेशियर से ऊपर पर्वतों से निकल के आती है। देखिए बहुत ही तेज, अभी तो मानसून भी शुरू नहीं हुआ है, अभी इसकी स्पीड इतनी तेज़ है, कह रहे हैं कि बहुत आगे जाके भी ये काफ़ी, मतलब बरसातों में काफ़ी डेंजरस हो जाती है। और अभी हम लगभग मिडवे में हैं, यहाँ से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पे है। सो अभी मुनस्यारी पहुँचेंगे, सो वहाँ पे देखेंगे क्या कुछ है। वैसे तो पूरा रास्ता इतना खूबसूरत है यहाँ का, वैसे भी बोलते हैं कि मुनस्यारी जाते हुए जो रास्ता है वो बहुत ही खूबसूरत है, सुंदर है, और वो दिख भी रहा है, ये देखिए। तो वाकई बहुत ही खूबसूरत यहाँ का पूरा नज़ारा हो चुका है। और देखिए अभी मॉर्निंग के 10 बज रहे हैं, और यहाँ का मौसम देखिए, धूप है हल्की सी पर बादल भी लगे हुए हैं, सो बहुत ही खूबसूरत। और कल शाम को कह रहे हैं कि काफ़ी बारिश हुई थी यहाँ पे मुनस्यारी, और उसके नीचे पिथौरागढ़ में भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई थी, बारिश हुई थी, बट यहाँ पे अच्छी बारिश हुई थी, सो इसलिए मौसम एकदम ठंडा हो चुका है। मतपोट आ गया। तो हमारे फ्रेंड शिवराज जी बताएंगे कि हम कहाँ पे हैं। सर कहाँ पे जो है? मुनस्यारी रोड छोरबगढ़, छोटबगढ़ नाम है, छोटबगढ़, छोटबगढ़। अरे इस भी आ गए ब्रिजवाल जी। यह ब्रिजवाल जी हमारे सर आ गए। चले दाना जी, हो गए आपके मामा कोट हो गया आ गया। अब चलो ये मकान हो, मामा लोग ने मोड़ पे पहला मकान था, बरसात में पूरा ऊपर वाला नीचे वाला, ये पहला ले ऊपर साइड रोड, ये बरसात में पूरा ये कट जाता है ना, इस बार तो ये आपदा आई बहुत तगड़ी। यहाँ फटा था बादल, ये पत्थर ही पत्थर है, देखो भैया को पत्थर है पूरे ऊपर से पूरा पूरा, अभी आगे से लगेगा बस। पास आ गया था 2018 में। हां 2018 में। अच्छा ये पूरा नीचे जा रखा है यहाँ से, बोलिए ये नदी पूरी ऊपर आती होगी, है काली नदी ऊपर से, देखो पत्थर ही पत्थर। अरे भयंकर रोड तो निकल गई होगी सारी, पत्थर ही पत्थर ना सारा, सारा कटवाए इन्होंने यहां नीचे तक देखो। अरे भयंकर, पत्थर भी आ रखा और वो नीचे भी जा रखी ना उधर से रोड। ये गाइस अभी देखिए थोड़ा सा लैंडस्लाइड हुआ है यहाँ पे, ये देखिए पत्थर नीचे फेंके जा रहे हैं जीसीबी के द्वारा। इस जगह के लिए ये चीज़ आम है, पहाड़ों में अक्सर ऐसा होता है। बाकी आप नज़ारा देखिए। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, जल्दी ठीक हो गई है। इधर बोला ये रास्ता, वो ना के रास्ता जाता गाड़ी दो नीचे है पर खलियों नहीं खाए थे, बिल्कुल बल गए।
नाश्ता नहीं किया क्या? पूरा रोड के नीचे है, पूरी रोड का ही होगा। तो घुमाना भी है ना, एक तो एकदम से ना पहले के साथ से एकदम ग्लेशियर 65 किलोमीटर। और यहाँ से हम जा रहे हैं मुंशियारी। मुंशियारी कितना रह गया? 7-8 किलोमीटर ना। चलो विद्या मंदिर था ना, अच्छा पब्लिक स्कूल भी है। अच्छा लोकल लोग ही चला रही है मैदान है। सो गाइज हम आ चुके हैं मुंशियारी और ये देखिए सैनिक विश्राम गृह। सो गाइज गुड आफ्टरनून, वैसे अभी गुड मॉर्निंग ही हो रहा है क्योंकि 11 के आसपास बज रहे हैं और हमें 4 घंटे लगे यहाँ पहुँचने में। और आराम आराम से आए हैं यहाँ पे घूम फिर के फोटोग्राफ्स क्लिक करते हुए क्योंकि इतनी प्यारी प्यारी जगहें थी। और ये हम आ गए हैं अपने आज के जो हमें यहाँ पे रुकना है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको ये कौन सी जगह है। जोहार क्लब मुंशियारी, यहाँ पे गाइज यहाँ पे फुटबॉल मैचेस चल रहे हैं। अभी 2:30 बजे से है ना पहला मैच। पहला मतलब मैच तो शुरू हो रखे, मतलब अभी का सुबह नहीं होते मैच ना दिन से, बच्चों की छुट्टी पड़ गई। दिन में भी इतना सूदिंग मौसम है कि पता नहीं लग रहा गर्मी चल रही है। तंबोला गेम चलता हुआ ये यहाँ का फेमस तंबोला गेम, देखिए सब खेल रहे हैं। आपको दिन के 1:30 बज रहे हैं और कितना सुहावना मौसम, हल्के हल्के बादल लगे हैं तुरंत। और हम मार्केट में घूम रहे हैं। ये है यहाँ का हॉस्पिटल मुंशियारी का। और जो ये मार्केट में टॉप में आपको दिख रहा है ये विश्राम गृह आर्मी वालों का, वहाँ पे हम रुके हैं क्योंकि हमारे साथ आर्मी पर्सनल है। सो हमें वहाँ पे रुकने के लिए अच्छा व्यवस्था हो गई है वहाँ पे हमारी। मालियन बिस्त्रो पहले इसने खाया, अच्छा बना रखा ना। ये है टैक्सी स्टैंड मुंशियारी का।
सो फ्रेंड्स, अब बॉयज़ का मैच स्टार्ट होने वाला है। ये देहरादून प्लस मुनस्यारी की बी टीम के बीच है ये मैच, और गर्ल्स का मैच अभी जस्ट ख़त्म हुआ, और अभी लगता है बॉयज़ का मैच देखने में मज़ा आएगा। टाइम हो रहा है दिन के 3 बज रहे हैं, और यहाँ पे डेली इस समय बारिश होती है। सॉरी, मैच चल रहा था लड़कों का, देहरादून वर्सेस मुनस्यारी बी टीम, बट बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि हमने सोचा रूम पे थोड़ा आराम करने आते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बारिश के बाद कुछ ऐसा नज़ारा हो चुका है। हल्की बारिश हो ही रही है पिछले 1-2 घंटे से, देखिए। ये है कौन सा वो है पर्वत हो? हंसलिंग ना, जहाँ कोई चढ़ नहीं पाया आज तक। और वैसे मंदिर है वहाँ, और उसी के पीछे तिब्बत है ना। उसी पीछे ये ना, इसके पीस पर्वत के पीछे है ना। कौन वो शांति कुंज है? और ये पंचाचुली अब ढक गया ना, बादल लग गए। अब सुबह ही दिखेगा धूप है ना, सुबह ही दिखेगा। ठीक, फोटो खींच ली हमने होटल रूम से। सो फ्रेंड्स, ये जो पर्वत है इसके जस्ट पीछे ही तिब्बत है, और बोलते हैं कि इस पर्वत में, इस मंदिर में भी कोई चढ़ नहीं पाया। पहले पुराने बुजुर्ग बताते हैं कि यहाँ पे मंदिर है, बट कोई चढ़ नहीं पाता, रोड भी नहीं बन पाती वहाँ के लिए। हेलीकॉप्टर भी जाने की कोशिश करते हैं, वो भी दाएँ बाएँ हो जाते हैं, बट इस हंसालिंग पर्वत में चढ़ नहीं पाता कोई, जहाँ पे एक मंदिर है, पौराणिक मंदिर, और उसके जस्ट पीछे तिब्बत है। जो आपको वो चोटियाँ दिख रही होंगी, ये तिब्बत है। और भी बड़े हैं यहाँ। सो गाइस, यहाँ हम इवनिंग में घूम रहे हैं मुनस्यारी से एक ऊपर। जी तुम कहाँ जा रहे इधर? कहाँ जा रहे हम? ये है, अरे ऊपर कॉलेज है यहाँ पे, कॉलेज आईटीबी, ये आईटीबीपी है ना नीचे, ये आईटीबीपी है। ये ठंड तो गजब की हो रही है यहाँ पे जून के महीने में। स्वेटर भी पहन ली, जैकेट भी पहन ली। अच्छा हुआ रखी हुई थी यहाँ पे, वरना तो हालत खराब हो जानी थी। और कल ही बारिश आई है यहाँ पे ना, 10 दिन के बाद, तो इसलिए ज़्यादा ठंडा हो गया, अदरवाइज ठीक हो रहा था। जी तो कैसा लग रहा है अपने ससुराल आके? घर ससुराल सब कुछ है, ठीक ही है। क्या अद्भुत नज़ारा है यहाँ से। पता नहीं कैमरे में इतना कैप्चर होता है कि नहीं होता है, बट मैं आपको दिखाऊं कि ये देखिए बहुत ही खूबसूरत। ये तो अभी बता रहे हैं कि ये रोड भी निकल चुकी है, तो 4-व्हीलर भी नीचे तक पूरे जा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे पंचाचुली पर्वत थे जो पूरे छुप गए हैं अब बादलों में, और ये तिब्बत जो इसके पीछे है वो भी पूरा अब छुप गया है। ये पहाड़ खूबसूरत, नज़ारा यहाँ पे। अभी हम आपको यहाँ से टॉप की उसमें ले जा रहे हैं, व्यू में, यहाँ से टॉप व्यू मिलेगा। अभी तो कई सारे ऐसे टॉप व्यूज के नज़ारे हैं यहाँ पे। Thank you.
ये देखिए फ्रेंड्स, मतलब ये जगह तो वाह स्वर्ग से कम नहीं है। मतलब यहाँ रहने वाले लोग सीरियसली बहुत लकी हैं। क्या ग्रीनरी और नीला आकाश, वाह मतलब मस्ट विजिट प्लेस होना चाहिए ये। थोड़ा दूर है मुनिशहरी, अगर आप देखें तो उत्तराखंड में काफ़ी आगे जाके है, कुमाऊँ से ऊपर, पिथौरागढ़ से ऊपर, बट ये है कि वर्थ है मतलब यहाँ आना। अगर आप आएंगे तो मतलब आप, मतलब आपका टाइम और पैसा वसूल है। यहाँ आके जस्ट मुंह से निकलेगा वाव। काफ़ी हद तक पहाड़ वैसे सेम होते हैं जैसे, बट फिर भी ये है कि जहीं भी आप जाओगे आपको अलग ही मज़ा आएगा, अलग ही एक्सप्लोर जो आप करोगे वहाँ पे आपको अलग ही मज़ा आएगा। यहाँ पे अच्छा देखिए यहाँ, ओ बाप रे, अरे नीचे भी देखो ना कितना है वहाँ वहाँ जाने के लिए। वो देखो कहाँ से आ रहे लोग पर है वहाँ भी देखो ना, वहाँ भी अलग लुक है, वहाँ पेड़ वेड़ है ना जबरदस्त। वाह ये देखिए गाइस, ये खूबसूरती तो आदमी कोई बयां भी नहीं कर सकता, ये बस महसूस की जा सकती है। और मैं आई बन सकता हूँ आप लोगों की आंखें कि मतलब ये खूबसूरती आप लोग को दिखाऊं और समझाऊं कि कितना खूबसूरत है। पूरे काले बादल लग चुके हैं और आई थिंक बारिश होगी, और आई होप कि बारिश ज़्यादा ना हो, मीन्स रात को फिर भी हो जाए। रात को तो अपने घर ही जाना है, कैंपिंग वैम्पिंग नहीं करनी क्योंकि यहाँ तो इतनी हवा और इतनी ठंड है। बट ये है कि सुबह हमें जाना है जहाँ जहाँ जगह पे, अगर वहाँ अगर बारिश होगी तो फिर प्रॉब्लम होगी, इसलिए आई होप कि बारिश ना हो ताकि हम सुबह भी यहाँ अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें मुनिशहरी को, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत है पूरा मुनिशहरी देखिए। और फ्रेंड्स ये था मुनिशहरी ट्रिप का डे वन, और इसी के साथ यहाँ पे मैं व्लॉग एंड करता हूँ, और जल्दी ही मिलते हैं मुनिशहरी के डे टू के व्लॉग में। तो टिल देन ख्याल रखिए अपना, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल टू कीप मी मोटिवेटेड। और जल्दी मिलते हैं गाइज नेक्स्ट व्लॉग में,